अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ फैमिली खुश है, महफूज है, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही है। रोज़ हिप ऑयल को बात करेंगे। 2023 में अगर आप कोई नई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरेगा। ये खुशकिस्मती से स्किन के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना जानता है। और गुड लक क्या है कि ये जो ऑयल है ये बहुत ही सस्ता और आराम से मिलने वाला है। मेरे हाथ में भी इस टाइम रोज़ हिप ऑयल पकड़ा हुआ है और इसको मैं अभी पिछले 2 या 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी स्किन में इसकी वजह से वो ऑयल जो कि ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। हालांकि मुझे अभी तीसरी या चौथी रात होगी इसको यूज़ करते हुए। मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कौन से बेनिफिट्स हैं और हम किस तरह से उनको इस किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब, रोज हिप ऑयल को हम ऑयल ऑफ यूथ भी कहते हैं। ये एक ऐसा ऑयल है जो कि आपके स्किन को फ्रेश करता है। ये एक ऐसा ऑयल है जो कि आपकी स्किन के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर कोलाजन प्रोड्यूस करता है और उसको नए सिरे से फ्रेशनेस देता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो ऑयल है इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं? कम से कम मैं तो इससे पहले नहीं जानती थी। लिहाजा अब आज हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वाइटमिन्स हैं और वो किस तरह से अपना काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटामिन एफ की। बिल्कुल, वाइटामिन एफ जो है ये क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक कर देता है। और हम चाहते यही हैं, इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो हाइड्रेट रहती है और इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो मॉइस्चर रहती है। इसके बाद जनाब जी, हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई स्वेलिंग हो जाए दानों की वजह से, एक्नी की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये उसको रिड्यूस करती है, ये हमारी एक्नी को ट्रीट कर सकती है। फिर इसी तरह अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं या एक्नी स्पॉट्स हैं, या मज़े की बात क्या है कि अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स भी हैं आपकी बॉडी में कहीं पे भी, तो ये उसको भी आहिस्ता आहिस्ता फेड कर देता है। फिर ये इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं और उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर वाइटामिन ए है यानी कि रेटिनॉल है, और वैसे भी रेटिनॉइड्स आपको वैसे ही पता है कि ये एंटी एजिंग के कितने काम आते हैं और कितने महंगे महंगे आपको बाजार में मिलते हैं। उनको खरीदने से बेहतर है कि आप इस ऑयल को खरीदें ताकि एंटी एजिंग के साथ साथ आप इसके बहुत सारे और फायदे भी हासिल कर सकें। अच्छा जी जनाब, इसके अंदर वाइटामिन ई है जो कि आपकी स्किन को काम रखता है और बहुत ही स्मूथ रखता है। इसको आप यूँ कह लें कि एक पोलाइट ट्रैक के ऊपर जो है वो चलाता है। फिर इसी तरह वाइटामिन सी है जो कि इसको हाइड्रेट रखता है, और आपने वाइटामिन एफ के जरिए जो मॉइस्चर लॉक किया हुआ है ये उसको प्रिजर्व करके रखता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, और अगर अन ईवन स्किन टोन है तो ये उसको भी इवन करता है, और ये आपके पोर्स को टाइट करता है। और इसकी सबसे मज़े की बात क्या है कि ये परफेक्ट कैरियर ऑयल है। कैरियर ऑयल दरअसल उस ऑयल को कहते हैं जो कि हम कुछ इस तरह के ऑयल हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, या फिर ये कि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खुश्क कर सकते हैं। जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, वाइटामिन ई हो गया, फिर इसी तरह एक दो और ऑयल हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये आपको रैशेज कर सकते हैं, ये आपको इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं। लेकिन उनके साथ हम किसी न किसी ऑयल को एज अ कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। तो इसी तरह जो रोज़ हिप ऑयल है ये भी आप किसी हाई पोटेंसी ऑयल के साथ आराम से मिला के एज अ कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स भी हैं और इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं यानी कि ओमेगा 3, 6, 9, जो कि आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं, यंग रखते हैं, और ये आपकी स्किन सेल को रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मैजिकल ऑयल है। ये आपके स्किन को काम रखेगा, कूल रखेगा, फ्रेश रखेगा, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता, आराम से आपको बाजार में अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा। इसको ख़रीदें, इसको बाय करें और इस साल ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करें। Thanks for watching.